वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा और साथ ही डीआरडीओ को बधाई भी दी। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा है और स्वादते हुए उन्होंने ये निशाना ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, डीआरडीओ ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें आपके काम पर गर्व है, मैं पीएम को वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई देना चाहता हूं। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला करता हुआ उनका ये ट्वीट, जो ये बताने के लिए कि किस तरह से डीआरडीओ के किए कार्य का भी श्रेय प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं और वर्ल्ड थिएटर डे की शुभकामनाएं देने के तहत ही वो प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मिशन शक्ति के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। एंटी सैटेलाइट हथियार का आज सफल परीक्षण हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। आम लोगों को कैसे समझाएंगे इस परीक्षण को लेकर? बहुत सरल भाषा में, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की बड़ी डिजिटल ताकत, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत का स्पेस सैटेलाइट का क्षेत्र वो भी सुरक्षित, भारत स्पेस की क्षितिज की एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। मतलब क्या है, देखा आपने, एक तरफ 100 सैटेलाइट भेजे गए, एक साथ मंगलयान भी भेजा गया, और आज का संदेश ये है कि अगर कोई ऑर्बिट में उड़ता हुआ सैटेलाइट भारत की ओर गलत निगाह से देखेगा तो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किए गए मिसाइल मात्र 3 मिनट में मार गिरा देंगे, ये इसका सार है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों का अभिनंदन, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, गर्व है, ऐतिहासिक दिन है आज। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हमने शुरू किया था। अब ठीक है, उनको अगर इसी में संतोष मिलता है तो पूरा क्यों नहीं किया। अब वो 5 साल से सत्ता से बाहर हैं, आगे फिर होंगे, 55 साल रहे हैं, लेकिन शायद उनके समय ठीक से काम नहीं हुआ, इसलिए तो आज वो आधा छोड़े हुए काम की अगुवाई मोदी जी कर रहे हैं और तेजी से कर रहे हैं। আপনারা দেখেন বিভিন্ন কালার, বিভিন্ন আমাদের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে আছে, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, অলচিকি, নেপালি সহ আমাদের ম্যানিফেস্টো যেটা হয়েছে আপনাদের সবাইকে কপি দিয়ে দেওয়া হবে, সুতরাং আপনারা পেয়ে যাবেন। এটাই আমাদের 2019 লোকসভার ম্যানিফেস্টো ফর বেঙ্গল। আমরা কতগুলো ব্যাপারে বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছি, সব ব্যাপারেই গুরুত্ব দিয়েছি, দার্জিলিং থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে ছাত্র যৌবন থেকে শুরু করে মহিলা এম্পাওয়ারমেন্ট থেকে শুরু করে কৃষক থেকে শুরু করে শ্রমিক থেকে শুরু করে সিডুল কাস্ট, সিডুল ট্রাইব, মাইনরিটিজ, ওবিসি, সর্বধর্ম সমন্বয়, একতা, ঐক্য, কালচার, ইন্ডাস্ট্রি, সব কিছুই আমাদের গুরুত্ব রেখেছি আমরা, কিন্তু তার মধ্যেও কয়েকটা तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और पार्टी अध्यक्ष ये मैनिफेस्टो जारी करते हुए, इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था, आज का ऐलान पीएम मोदी का एक और ड्रामा और पब्लिसिटी पाने की कोशिश है। पीएम मोदी चुनाव के लिए बहुत उत्सुकता से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने ट्वीट करके राहुल गांधी की ही तरह प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।